हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाती है और ये बिना गैस जलाए हुए बना सकते हैं, कहीं भी बैठ कर बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए ना आपको चाहिए चाशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही मावे की, ना ही पनीर की, और ये बहुत कम टाइम में बनकर रेडी हो जाएगी। आप देखिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको खुद पता चलेगा। तो ये देखिए कितना अच्छा ये बनकर रेडी हुई है बिना गैस जलाए हुए, और मैं यहाँ पर तोड़ के आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कितना प्यारा है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्सर जार ले ली हूँ और एक कप नारियल का बुरादा ली हूँ और 12 से 15 यहाँ पे काजू ले लूँगी, यहाँ पे मैं तोड़ के ली हूँ। तो यहाँ पे मैं मीठा के लिए 3 चम्मच चीनी ले ली हूँ और आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 2 पिंच के करीब मैं हरी इलायची कूट करके ली हूँ ताकि अच्छे से ये इसमें ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ग्राइंड हो चुका है बहुत ही अच्छा से, और यहाँ पे मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बादाम भी ले सकते हैं, काजू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो इसमें हम यहाँ पे बाइंडिंग के लिए ये दूध यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दूध मैं 4 से 5 चम्मच में यहाँ पे अभी डाली हूँ, और ये ठंडा दूध होना चाहिए फ्रेंड्स, गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैं बाइंड कर रही हूँ, बहुत ही इजी तरीके से बाइंड हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप मलाई भी यूज कर सकते हैं, बट वो मलाई यूज करिएगा ना तो क्या हो जाता है, वो तो ऐसे ही नारियल का बुरादा मतलब वो ऑयल रिलीज हो जाती है। तो इसीलिए आप जैसे मलाई इसमें डालेंगे ना तो ऑयली जैसा होने लग जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर दूध का यूज की हूँ। तो ये देखिए अच्छे से ये बाइंड हो चुका है और ये बहुत झटपट में बन के रेडी हो जाती है फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आपको कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप झटपट में इसे बना सकते हैं। कोई मेहमान जल्दी मतलब आ जाए तो समझ में ना आए क्या बनाऊँ, तो इसे बहुत ही जल्दी ये मिठाई बन के रेडी हो जाती है और बना करके आप खिला सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हार्ड दिख रहा था तो मैं 1 चम्मच में और दूध डाल दी हूँ इसमें, ताकि ये सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो जाए। आप जितना ही सॉफ्ट बनाएंगे ना वैसे उतना ही बहुत ही अच्छा ये बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर लूँगी और उसके बाद मैं बटर पेपर लगा दूँगी। बिना बटर पेपर के भी आप मतलब इसमें जमा सकते हैं, बटर पेपर इसलिए हम लगाते हैं कि ताकि वो अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पे मैं घी लगा करके यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ईजिली सेट हो जाती है ये, और यहाँ पे मैं हाथ से सेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं चम्मच में थोड़ा सा घी लगा करके आप इसे सेट करें तो बहुत ही ईजिली ये सेट हो जाती है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा ये सेट हो रहा है। आप चाहे फ्रेंड्स ये रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर भी बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेट करके मैं आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में डाल दूँ ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सेट हो चुका है, अब मैं फ्रिज में डालूंगी कि जल्दी से सेट हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। तो यहाँ पे मैं सेट कर ली हूँ, फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखी हुई थी, और मैं यहाँ पे डीमोल्ड कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए बहुत ही ईजिली ये निकल जाता है। तो अब मैं बटर पेपर हटा करके मैं कटिंग करूँगी। कटिंग आप अपने मनपसंद से कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं लंबे शेप में कर रही हूँ, आप चाहें तो बर्फ़ी के शेप भी दे सकते हैं इसमें। तो ये देखिए कितना अच्छा से ये कटिंग हो रहा है, इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, तो आपकी भी मिठाई अच्छी बनेगी, बहुत ही अच्छी। आप पहली बार भी बनाना चाहेंगे ना तो ये इजीली आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा से ये बन के रेडी होगी। तो ये देखिए मैं ऐसे ही मैं पूरे को कटिंग कर ली हूँ। तो ये देखिए मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना प्यारा आया है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो आप यहाँ पर पिस्ता से, बादाम से, मतलब उसे भी आप सजा सकते हैं। तो ये देखिए मैं तो आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना प्यारा सा ये बन के रेडी हुआ है, दानेदार सा बन के रेडी हुआ, आपको दिख रहा होगा ना कितना प्यारा सा दिख रहा है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।